Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study about the last topic of our clinical pathology. The name of the topic is hematology, practical hematology, or we can say examination of blood or blood analysis. हम आज last clinical patho का topic कर रहे हैं blood examination. Blood आप जानते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स के क्लोज सिस्टम में हमेशा सर्क्यूलेट होता रहता है. इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं एक फ्लूड में सस्पेंडेड रहती हैं और उस फ्लूड को अपन प्लाज्मा कहते हैं. टोटल ब्लड वॉल्यूम जो है हमारे बॉडी वेट का 8% होता है. अब मेन फंक्शंस क्या हैं ब्लड के, तो ये 6 मेन फंक्शंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को और ट्रांसपोर्ट करने का. लंग से टिश्यू तक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, टिश्यू से वापस लंग्स तक CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड. इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हॉर्मोन्स, आयंस और मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. हमारे को डिफेंस प्रोवाइड करता है हार्मफुल इन्फेक्शंस के प्रति और ब्लड को क्लॉट करने का भी काम करता है. कहीं से ब्लड लीकेज हो रहा हो तो उसको कोगुलेट करता है. तो ये 6 तो फंक्शंस हैं ब्लड के. अब जनरली जो हीमेटोलॉजी होती है उसके अंदर हम ब्लड कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं और कोगुलेशन सिस्टम की स्टडी करते हैं. और इस स्टडी के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये 4 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं. सबसे पहला, हम जो पेरिफेरल ब्लड है हमारा उसमें प्लाज्मा और उसके सेल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका फंक्शन क्या है. ब्लड की सेल्स और प्लाज्मा के स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कंसंट्रेशन वगैरह को एनालाइज करेंगे. हीमोपोइसिस एक प्रोसेस होता है, उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे ब्लड सेल्स बन रही हैं, बोन मैरो में उनकी कैसे प्रिकर सेल्स बनती है, फिर वो कैसे मैच्योर होती हैं, ये चीज़ पढ़नी होती है. कोगुलेशन सिस्टम में जितने भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं. और इसके अलावा ब्लड ग्रुप, इम्यूनोहिमेटोलॉजी, ये सब कुछ हमारे को ब्लड के अंदर पढ़ना होता है. अब सबसे पहले हम ब्लड की स्टडी करें तो उससे पहले हमारे को ब्लड को कलेक्ट करना पड़ेगा. भाई ब्लड सैंपल लेंगे तभी तो आप उसकी स्टडी करेंगे. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ ब्लड. तो ब्लड को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए ब्लड को कलेक्शन का 2 मेथड होता है हमारे पास. एक तो आप कैपिलरी पंक्चर से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा वेनी पंक्चर से कर सकते हैं. 2 ही मेथड हैं. एक तो कैपिलरी ब्लड को अपन स्किन पंक्चर से और दूसरा वेनी पंक्चर से ब्लड को अपन कलेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले स्किन पंक्चर जो एडल्ट्स में अपन फिंगर टिप से करते हैं और बच्चों के अंदर अपन ईयर लोब से करते हैं या फिर ग्रेट टो और हील से भी अपन कर सकते हैं. देखो एडल्ट्स में फिंगर टिप या ईयर लोब, जबकि बच्चों में ग्रेट टो या हील. देखा ना आपने छोटे छोटे बच्चों के तो लाल लाल से पैर होते हैं, तो वहाँ से आप ब्लड सैंपल आराम से कलेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला 70% अल्कोहल या स्पिरिट से उस जगह को अच्छे से साफ़ करिए. क्विक स्टैब उस पर शार्प निडल से या लैंसेट से लगाइए. पहली ड्रॉप को आपको साफ़ करना है, पहुंचना है, वो ड्रॉप कलेक्ट नहीं करनी, पर जो उसकी नेक्स्ट ड्रॉप आएगी उसको आप ले लीजिए एनालिसिस के लिए. ये ध्यान रखना है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए उस जगह को आपको स्क्वीज्ड नहीं करना है. ब्लड अपने आप आएगा, उसी ब्लड को आप लेंगे. स्क्वीज्ड करना पड़ रहा है तो ऐसा काम हमें नहीं करना. अब इस कैपिलरी पंक्चर से जो आपने ब्लड लिया उसमें आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देख सकते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट की काउंटिंग कर सकते हैं, BT कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम, ब्लड ग्रुपिंग और टाइपिंग का पता लगा सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट कर सकते हैं, पेरिफेरल स्मीयर की स्टडी कर सकते हो और हीमोपैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए थिक या थिन स्मीयर बना करके स्टडी कर सकते हो. जैसे अपन मलेरिया की स्टडी करते हैं ना तो उसके अंदर थिक स्मीयर बनाते हैं, तो वो भी अपन इस स्किन पंक्चर जो है ना कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए उसी से करते हैं. दूसरा मेथड मैंने कहा वेनी पंक्चर से कर सकते हो, जिसमें आप जानते हैं कि भाई आम को आम की जो क्यूबाइटल वेन होती है, मीडियन क्यूबाइटल वेन, उससे अपन ब्लड जो है कलेक्ट करते हैं. आप इसमें हैंड का डॉर्सम, फीमोरल वेन, सिफेलिक वेन वगैरह भी ले सकते हो.
आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया सेलेक्ट किया है उस पर कोई स्कार नहीं होना चाहिए, हील हीमेटोमास वगैरह नहीं होने चाहिए। पेशेंट को इसके लिए आप पहले कंफर्टेबली बिठा दीजिए, उसको प्रोसीजर समझाइए, टॉनिक वेट अप्लाई करिए, पर ज़्यादा प्रेशर नहीं, इतना नहीं बहुत टाइट आपने उसके हाथ पर बांध दिया, उसको दर्द होना स्टार्ट हो गया, ब्लडी रुक गया, ये नहीं होना चाहिए। फिर वेन आइडेंटिफाई करके पहले वही एसेप्सिस करना है अल्कोहल स्प्रिट वगैरह से, फिर ब्लड आपको लेना है क्लीन ड्राई स्टराइल सरेंज से लीजिए बिना प्रेशर लगाए, इमीडिएटली कलेक्ट करके आप ट्रांसफ़र कर दीजिए स्पेसिफिक कंटेनर में जिसमें आपको टेस्ट करना है। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट अपन कर सकते हैं, तो भाई कंप्लीट हीमोग्राम अपन कर सकते हैं, ESR कर सकते हैं, हीमेटोक्रिट क्लॉटिंग टाइम CT, कैपिलरी पंक्चर से BT किया था, वेनी पंक्चर से CT करते हैं, कोएगुलेशन टेस्ट कर सकते हो, बायोकेमिकल कंपोनेंट्स आप प्लाज्मा के और सीरम के देख सकते हो, और कुछ स्पेशल हीमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जैसे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, LE प्रिपरेशन, कुम्स टेस्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमने जब ब्लड जो है कलेक्ट किया है वेनी पंक्चर के थ्रू, तो उस ब्लड को हमने जिस भी वायल में लिया है तो वो सैंपल का ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, क्लॉटिंग से रोकना हमें बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अपन को एंटीकोग्यूलेंट यूज़ करने पड़ते हैं। एंटीकोगुलेंट वो सबस्टांस होते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, ये मोस्टली कैल्शियम पर एक्ट करते हैं और उसको अनआयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। इसके अलावा हिपारिन भी एक एंटीकोगुलेंट है जो कि थ्रोम्बिन नहीं बनने देता है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये चार नाम दिए हुए हैं कि कौन से एंटीकोगुलेंट अपन यूज़ करते हैं, तो पहला है EDTA, दूसरा ट्राइसोडियम साइट्रेट डबल ऑक्सीलेट और हिपारिन, ये चार कॉम्पोनेंट EDTA, ट्राइसोडियम साइट्रेट, डबल ऑक्सीलेट और हिपारिन। इनमें सबसे जो पहला है वो पावरफुल कैल्शियम किलेटर है, हालांकि मोस्टली कैल्शियम किलेटर ही होता है एंटीकोगुलेंट, पर सबसे पावरफुल कैल्शियम किलेटर है EDTA। इसके अलावा ट्राइसोडियम और डबल ऑक्सीलेट दोनों के दोनों ही कैल्शियम किलेटर हैं, पर हिपारिन एंटी थ्रोम्बिन एक्शन रखता है, थ्रोम्बिन बनने नहीं देता। अब कौन कौन से टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि किस किस में कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट आप यूज़ कर सकते हैं, वरना मोस्टली अपन EDTA ही यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये तो हो गया कि ब्लड सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है और कैसे उसको लेना है, एंटीकोगुलेंट डाल करके आप उसको लेंगे रखेंगे। अब अपन उसमें क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट भाई अपन कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेट कर सकते हैं, ब्लड सेल की काउंटिंग कर सकते हैं। तो आज अपन इस क्लास में हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल काउंट ही करेंगे, क्योंकि ब्लड काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अपन एक क्लास में पूरी नहीं कर पाएंगे, 3 क्लासेस में अपन को इसको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमें हीमोग्लोबिन देखना है। देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में अपन पढ़ें, आप ये चीज़ें पढ़ें, उससे पहले बता दूं मैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जो हमारे बोन मैरो में बनता है इराइथ्रॉयड प्रिकर्सर सेल के द्वारा। दूसरा आपको पता है कि भाई हीमोग्लोबिन में 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, हीम प्लस ग्लोबिन, नाम से पता चल रहा है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आयरन से बना होता है, प्रोटोपोरफायरिन से बना होता है, जबकि ग्लोबिन जो है वो अमाइनो एसिड का बना होता है। हीमोग्लोबिन के हर एक मॉलिक्यूल में 1 ग्लोबिन की यूनिट होती है और 4 हीम की यूनिट होती है। 68,000 डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 68,000 डेल्टन। और ग्लोबिन की यूनिट में 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, अल्फा बीटा की चेन्स, उसको हीमोग्लोबिन ए कहते हैं, अल्फा और डेल्टा की चेन होती है तो हीमोग्लोबिन A2, और बच्चों में जो हीमोग्लोबिन फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो अल्फा और गामा चेन का बना होता है। बर्थ के समय सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है भाई, आपको पता होना चाहिए 18 ग्राम पर DL, इसलिए बच्चों देखो लाल लाल से दिखाई दे रहे होते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाती है और एडल्ट तक आते आते 4 से 16 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन रह जाता है। बच्चों में होता है 18 ग्राम, बर्थ के समय 18 ग्राम पर DL और एडल्ट तक 14 से 16 ग्राम पर DL, और मेन में जनरली विमेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हमें हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर से करना है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है भाई कि बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट हीमेटोलॉजी में जो अपन करते हैं
उस टेस्ट से अगर अपन देख रहे हैं कि भाई इसकी कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की कम अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब एनीमिया है पर्सन को। अब इसके लिए वेरियस टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए, जिसमें से आप ये देखिए चार नाम यहाँ दिए हुए हैं, कलरीमेट्रिक मेथड ले सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। कलरीमेट्री मेथड विजुअल मेथड है, इसमें अपन सिंपल कलरीमेट्री या फोटो कलरीमेट्री भी काम में ले सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है वो ये कलरीमेट्रिक ग्रुप ही होता है, जिसमें कलर प्रोडक्ट के थ्रू अपन सैंपल को टेस्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ में, तो अपने को हीमोग्लोबिन की वैल्यू मिल जाएगी। अब कलरीमेट्रिक मेथड में भी कई मेथड आते हैं, जैसे टॉलक्विस्ट मेथड, सहलीज एसिड हीमेटिन मेथड, साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड। ये तीन मेथड है, टॉलक्विस्ट, सहलीज और साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड। पर हम जो रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट अपने लैब में, हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट्स की लैब में, स्कूल कॉलेजेस में जो काम में लेते हैं, वो सहलीज एसिड हीमेटिन मेथड होता है। सबसे इजी मेथड, बेस्ट मेथड है, तो वही अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा एक्सप्लेन नहीं करना, आप केवल नाम लिख दीजिए जो मैंने बताया, टॉलक्विस्ट, सहलीज और साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड। तो खाली नाम भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं भी तो कोई बात नहीं, आप सहलीज मेथड एक्सप्लेन कर दीजिए। वाइडली यूज्ड मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का। इसके अंदर ब्लड में 0.1 N हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन को मिलाना होता है, जिससे कि हीम कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हीमेटिन में, और जो कलर आएगा आप उसको स्टैंडर्ड कलर के साथ में कंपेयर करिए तो वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये मेथड विजुअल कलर कंपैरिजन पे बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा ये सेंसिटिव टेस्ट नहीं कहलाता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की वैल्यू देख लें अपन, भाई हमने तो सैंपल लिया 0.1 N HCl लिया और कलर चेंज देखा, कलर चेंज को आप स्टैंडर्ड कलर के साथ में मैच कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी कि कितनी है, वहाँ स्टैंडर्ड पे दिया हुआ होता है। अब देखिए वैल्यू मेन में 14 से 18 ग्राम पर DL, विमेन में 11.5 से 15 ग्राम पर, इतनी अपने इंडिया में मिलती नहीं, 11.5-12 तक बहुत रेयरली मिलती है, मेट्रो सिटीज़ वगैरह के अंदर मिलती है, या पढ़े लिखे लोग जो बहुत ध्यान दे रहे होते हैं खुद के ऊपर उनमें मिलती है, विमेन में, अदरवाइज़ 11 से कम ही मिलती है, अधिकतर एनिमिक हैं अपने यहाँ पे फीमेल्स। यही तो रीज़न है कि सरकार ने आयरन की टैबलेट्स फ्री रख रखी हैं, स्कूल्स में फ्री में मिलती हैं, हॉस्पिटल में फ्री में मिलती हैं, क्योंकि एक एनीमिया एक कॉमन डिसऑर्डर जो फीमेल्स में पाया जाता है। इन्फेंट्स में 13.5 से 19 ग्राम, 1 साल तक के बच्चों में 11 से 14 और 10 से 14 साल के बच्चों के अंदर 11.5 से 13 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन का देखने को मिलता है। ख़त्म यहाँ पर एक टॉपिक, आपके हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से शॉर्ट नोट जो है वो पूछा जा सकता है। दूसरा टॉपिक हमारे को पढ़ना है ब्लड सेल काउंट। ये सारे टॉपिक्स कौन से हैं भाई, ये टॉपिक है जो अपन कौन से कैपिलरी पंक्चर से जो ब्लड लिया था उससे ये एस्टिमेशन अपन करते हैं, पहला हीमोग्लोबिन करते हैं, दूसरा ब्लड सेल काउंट करते हैं। दो ही टॉपिक अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड सेल काउंट भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्लड सेल काउंट में क्या होता है कि ब्लड के जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं आप जानते हैं, उसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन सेलुलर एलिमेंट्स की मॉर्फोलॉजी की भी स्टडी कर सकते हैं, पर मॉर्फोलॉजी अपन आज नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड सेल काउंट में अपन इराइथ्रोसाइट्स देख लें। इराइथ्रोज वर्ड रेड के लिए और साइटोज मतलब सेल, तो यानी रेड सेल की जो रेड सेल कॉर्पसल्स हैं उन की अपन स्टडी करेंगे। इनकी आप मॉर्फोलॉजी देखें तो ये बाइकॉनकेव शेप की ए न्यूक्लिएट सेल होती हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। साइज़ इनका 750 माइक्रोन है, ध्यान रख लीजिए, नेक्स्ट जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ ये काम आएगा। और उसकी थिकनेस कितनी होती है, 2 माइक्रोन। इसमें हीमोग्लोबिन, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये सबसे हैवीएस्ट है सभी सेलुलर एलिमेंट्स में, ब्लड के सभी सेलुलर एलिमेंट्स में सबसे हैवीएस्ट है। लाइफ स्पान इसकी 120 दिन होती है, प्लस माइनस 20 डेज हो सकती है। नॉर्मल सेल काउंट कितनी होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर रेड सेल काउंट होता है, याद कर लीजिए। ये नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, RBC की काउंट कितना है, 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। कई बुक्स में थोड़ा सा आगे पीछे दिया होता है, पर थोड़ा सा ज़्यादा वेरी नहीं कर रही होती चीज़ें, ये RBC। इसी तरह से WBC न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, इनका नंबर वेरी करता है 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर।
डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट और ए ग्रैन्यूलोसाइट। ग्रैन्यूलोसाइट फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, वाइल ए ग्रैन्यूलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और इनका नंबर यहाँ बताया गया है, सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड में पाई जाती है 50 से 70%, उसके बाद लिम्फोसाइट्स जो हमारे को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, वो 25 से 45% पाई जाती हैं। इसके बाद मोनोसाइट्स 2 से 8%, इओसिनोफिल्स 1 से 4 और सबसे कम बेसोफिल्स 0 से 1%। अब अगर हम मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इन सेल का क्लासिफिकेशन करें कि जो वेरियस ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका फंक्शन क्या है, तो देखिए न्यूट्रोफिल्स 10 से 12 माइक्रोन का साइज़ होता है, इसमें खूब सारी लोब्स पाई जाती है, फाइन पर्पलिश साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की बनी होती है, ये इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन की सेल्स हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं भाई, ये पॉइंट याद कर लीजिए, जब मैं आपको जनरल पैथोलॉजी पढ़ाऊँगी तो वहाँ आपसे पूछूँगी कि न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फ्लामेशन की सेल है, फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं। दूसरी इओसिनोफिल्स, इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे होते हैं, ये इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और पैरासाइट को किल करने के काम आती हैं, ये भी 10 से 12 माइक्रोन साइज़ की होती हैं। बेसोफिल्स केवल 8 से 10 माइक्रोन के साइज़ की होती है, गोल से अंडाकार हो सकती हैं, ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन को सिक्रीट करती है जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं, यानी वेसल्स को डाइलेट करती हैं। नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स छोटी होती हैं और बड़ी भी होती हैं, राउंड से ओवल न्यूक्लिया इनमें पाया जा रहा होता है, इम्यूनिटी की सेल्स होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन को सिक्रीट करती है, मतलब एंटीबॉडी बनाती है। लास्ट मोनोसाइट्स, इंडेंटेड न्यूक्लिया इसके अंदर पाया जाता है और वैक्यूलेटेड इसका साइटोप्लाज्म होता है, फाइन पिंकिश से वॉलिड ग्रेन्यूल इसमें दिखाई दे रहे होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की सेल है, रट्टा मार लीजिए नाम, एक्यूट इन्फ्लामेशन की सेल्स होती है न्यूट्रोफिल्स और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की सेल्स होती है मोनोसाइट्स, ये भी फैगोसाइटिक फंक्शन करती हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक फंक्शन करेंगी। ख़त्म। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल, प्लेटलेट्स। इम्पॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके ऊपर आपके शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेटलेट्स, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। प्लेटलेट्स छोटी छोटी बिना न्यूक्लियस की सेल्स होती है, जिसका 2 से 4 माइक्रॉन ही केवल साइज़ होता है। आप देखो WBC में तो कितने बड़े बड़े माइक्रॉन के साइज़ थे, RBC 7.5 माइक्रॉन था, जबकि ये सब के सब WBC तो उससे भी बड़े थे, पर ये केवल 2 से 4 माइक्रॉन की सेल्स होती है। नॉर्मली 2000 से 4000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका नॉर्मल अमाउंट पाया जाता है। लाइफ स्पान केवल 7 से 14 दिन तक की होती है। टोटल नंबर जो है एक्टिव सर्कुलेशन में 2/3 होता है, बाकी 1/3 तो इसकी स्प्लीन में रहती है। एक्टिव सर्कुलेशन में तो केवल 2/3 और 1/3 रिमेनिंग स्प्लीन में, जिसको अपन स्प्लीनिक रिजर्व कहते हैं। मेजर फंक्शन क्या है प्लेटलेट का, हीमोस्टासिस को मेंटेन रखना, और इसके अलावा प्राइमरी हीमोस्टासिस। हीमोस्टासिस क्या होता है भाई, ब्लड लॉस हो रहा होता है तो ब्लड लॉस ना हो इसको रोकने का काम करता है। कभी भी आपको इंजरी हो जाए, ब्लड लॉस होने लग जाए, हैमरेज जैसे केस आ जाए, तो उसमें जो प्राइमरी प्लग बनता है वो प्लेटलेट का होता है और सेकेंडरी क्लॉट बनता है, जिसमें आपका कॉगुलेशन कैस्केड काम करता है। तो प्राइमरी प्लग आपका प्लेटलेट बनाता है, यानी हीमोस्टासिस को बनाए रखता है, आपकी बॉडी में ब्लड लॉस नहीं होने देता। अब हमारे को क्या करना है, लेबोरेटरी में सेल काउंट करने हैं भाई। तीनों सेल्स का मैंने नाम बता दिया आपको, RBC, WBC और प्लेटलेट, इनकी काउंटिंग बता दी कि भाई RBC 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, WBC 4,000 से 11,000 और प्लेटलेट 2,00,000 से 4,00,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अब इन ब्लड सेल्स को काउंट करने की जो टेक्निक है उसको अपन हीमोसाइटोमेट्री कहते हैं। अपन इसमें जनरली मैनुअल सेल्स की काउंटिंग करते हैं सूटेबल डाइल्यूटिंग फ्लूड का यूज़ करते हुए, एक स्पेशलाइज काउंटिंग चैम्बर जिसमें रूल्स यानी खांचे खांचे से बने हुए होते हैं उसके अंदर अपन काउंटिंग करते हैं। उस चैम्बर का नाम है नोबॉस चैम्बर, आगे बता रही हूँ मैं इसके बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि काउंटिंग चैम्बर थोमास चैम्बर है, जिसको बाद में इम्प्रूव करके नोबर रूलिंग चैम्बर कहा गया था या नोबर्स चैम्बर कहते हैं। इसमें इसका साइज़ जो है काउंटिंग एरिया 9 स्क्वायर मिलीमीटर और इसकी डेप्थ 0.1 मिलीमीटर होती है। चीज़ें याद रखो, इसको याद रखो तो समझ में आएगा।
अगर अनलॉक हुआ तो मैं क्लास में भी ये टॉपिक समझाऊंगी, क्योंकि केवल सुन के हमें चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती है। आप देखेंगे, मैं आपके हाथों से काउंटिंग करवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। 9 स्क्वायर मिलीमीटर फिर छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड होता है। 9 छोटे स्क्वायर्स के अंदर हर एक स्क्वायर का एरिया जो है 1 स्क्वायर मिलीमीटर, फिर टोटल 9 स्क्वायर हो गया और 9 स्क्वायर्स है, यानी एक स्क्वायर का 1 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया है। 4 कॉर्नर के स्क्वायर्स फिर फर्दर डिवाइड होते हैं और छोटे 16 स्मॉल स्क्वायर्स में, और सेंटर में जो स्क्वायर होता है उसमें 25 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, जिसका साइज होता है 1/400 स्क्वायर मिलीमीटर। ये साइंटिस्ट ने हमारे को बताया हुआ, हमने कोई काउंटिंग नहीं करी है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बहुत है आपके लिए। जो नीचे मैकलेज चैम्बर वगैरह दिया है तो दूसरे चैम्बर का बताया हुआ है, क्योंकि अपन जो काम में लेते हैं अपन केवल नौबॉर्स चैम्बर ही लेते हैं। सबसे अच्छा ईजी मैथड ये नौबॉर्स चैम्बर वाला ही है। अब रेड सेल की काउंटिंग करनी है। सबसे पहले तीनों ही काउंटिंग करेंगे अपन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सबसे पहले आरबीसी कर रहे हैं। आरबीसी ईडीटीए या डबल ऑक्सलेट ले लीजिए आप, ब्लड का सैंपल या कैपिलरी सैंपल आप ले सकते हैं। नौबर काउंटिंग चैम्बर आपको चाहिए। आरबीसी की पाइपेट अलग से पाइपेट आती है, आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की दो अलग अलग पाइपेट होती है, जबकि चैम्बर सेम होता है। और आरबीसी का डायल्यूटिंग फ्लूड आपको चाहिए, ये भी फ्लूड अलग होता है। अब आरबीसी पाइपेट में लार्जर बल्ब होता है और एक रेड ग्लास का बीड होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के पाइपेट में हालांकि दिखने में तो ये पाइपेट एक जैसी दिखती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी की, पर एक तो अपन बीड से पहचानते हैं कि आरबीसी में रेड ग्लास बीड होता है, डब्ल्यूबीसी में वाइट ग्लास बीड होता है। और दूसरा मार्किंग अलग अलग होती है। आरबीसी में मार्किंग होती है 0.5, 1.0 और 101, जबकि डब्ल्यूबीसी में काउंटिंग होती है 0.5, 1.0 और 11। ये याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी में पढ़ाऊंगी मैं आपको। अब रेड बीड का फंक्शन क्या होता है कि जब आप सैंपल लोगे और उसमें डायल्यूटिंग फ्लूड मिलाओगे तो दोनों के अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, इसलिए अपन काम में लेते हैं। ये बल्ब जो होता है, बल्ब के थ्रू अपन उसको पाइपेट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आरबीसी का डायल्यूटिंग फ्लूड जो अपन को सैंपल में मिलाना है उसको अपन हीम्स फ्लूड कहते हैं। इसमें सोडियम साइट्रेट, फॉर्मेलिन, मर्क्यूरिक क्लोराइड और डिस्टिल्ड वाटर मिला हुआ होता है। अब सबसे पहले आपको वही कि क्विक टैब लगाकर सैंपल को आपको कलेक्ट करना है 0.5 मार्क तक, फिर 101 तक डायल्यूटिंग फ्लूड उसमें मिला लीजिए। पाइपेट है, मुंह से सक करते हुए आपने पाइपेट में ब्लड लिया 0.5 तक, और 101 तक आपने क्या लिया, इसमें सैंपल लिया। डाइल्यूशन कितना बन गया, 1/200 बन गया। कैसे बन गया भाई 1/200, देखिए मैं समझा रही हूँ, सुन लीजिए वरना समझ में नहीं आएगा ये आपको। देखो 101 तक मार्किंग थी तो 101 को अपन 100 मान सकते हैं, क्योंकि 101 में कोई 1 का पीछे वाले 1 का रोल तो है नहीं, तो इसको 100 मान ले। तो 100 में 0.5 है, 0.5 100, तो 1 में कितना होगा 200। जस्ट डबल कर दीजिए, 0.5 का डबल किया 1, तो 100 का डबल कर दीजिए 200, तो डाइल्यूशन हुआ 1/200। सैंपल को अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर उसके स्टेम की सहायता से आप नौबॉर चैम्बर पे उसको डाल दीजिए। वो स्प्रेड हो जाएगा नौबॉर चैम्बर पे, उसको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए आप सेटल होने दीजिए, और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रख दीजिए। तो आपको कॉर्नर के 4 स्क्वायर और सेंटर के 1 स्क्वायर में काउंटिंग करनी है। कॉर्नर के 4 स्क्वायर्स और सेंटर के 1 स्क्वायर में आप काउंटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए कैलकुलेशन। जितनी भी आपने सेल काउंट करी है आरबीसी की, उसको आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे। 35 सेल्स दिखी, 45 दिखी, जितनी भी दिखी आपने यहाँ पर रख दिया। डाइल्यूशन फैक्टर हम बोल चुके हैं 1/800 है। अब एरिया ऑफ काउंटिंग, तो एरिया में सुनिए भाई ध्यान से कि ये कैसे आया, मैं बोल करके बता रही हूँ। मैंने आपको बताया कि आरबीसी में कितने स्क्वायर्स लेने हैं, कॉर्नर के 4 स्क्वायर और सेंटर का 1 स्क्वायर लेना है। कॉर्नर के 4 स्क्वायर में हर एक स्क्वायर में कितने थे स्मॉल स्क्वायर, 16 स्मॉल स्क्वायर्स थे हर एक के अंदर, तो 4 में कितने हो गए भाई 64 में, और बीच में सेंटर में है 25, 64 के अंदर 25 मिला लीजिए, तो लगभग हो गए 89 में से आप 9 ऐसे स्क्वायर छोड़ दीजिए जिनमें हो सकता है कोई भी सेल ना आई होगी, क्योंकि जब अपन सैंपल की सेल्स अपन ने स्प्रेड करवाई तो जरूरी नहीं है हर एक चैम्बर के अंदर सेल आ जाए। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, अपने सिटिंग अरेंजमेंट जो आपका किया है उसमें बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है हर एक चेयर के ऊपर बच्चा बैठा, हो सकता है कुछ बच्चे एबसेंट हो, कुछ चेयर्स खाली हो, तो वैसे ही कुछ हो सकता है कि स्क्वायर्स में सेल ना आई हो।
तो अपन 89 स्क्वायर ना लेकर के कितना ले लेते हैं, राउंड फिगर में 80 स्क्वायर्स ले लेते हैं, 80 स्मॉल स्क्वायर्स। और हर एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया कितना था, 1/400। तो 80 का कितना हुआ, 80/400 इज इक्वल्स टू 1/5 स्क्वायर मिलीमीटर इसका एरिया हुआ। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं, वरना जब कभी भी आपका अनलॉक होगा ये कैलकुलेशन मैं आपको क्लास में करवा दूंगी, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ी कैलकुलेशन खुद से कर पानी मुश्किल पड़ती है, बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी आपको। अब चैम्बर की डेप्थ देखिए कितनी होती है, 1/10। ये थी डेप्थ, स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, ये सब में यही होती है, सब में डेप्थ यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब वॉल्यूम कितना हुआ, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया इंटू डेप्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, अपन पढ़ते हैं ना मैथ्स में, तो एरिया इंटू डेप्थ होता है वॉल्यूम। एरिया था 1/5, डेप्थ है 1/10 इज इक्वल्स टू 1/50 क्यूबिक मिलीमीटर आ गया वॉल्यूम। अब टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेल काउंटेड इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ चैम्बर। तो नंबर ऑफ सेल काउंटेड n है, डाइल्यूशन फैक्टर 200 है, वॉल्यूम अपना आया 1/50। 50 को ऊपर ले जाइए तो n इंटू 200 इंटू 50 आंसर आ गया n इंटू 10,000। तो आपको सीधा यही फॉर्मूला लगाना है अपने लेबोरेटरी में कि सेल को काउंट करिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, RBC के सेल नॉबॉर चैम्बर में काउंट करिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉर्मल मेल के अंदर RBC काउंट होता है 4.5 से 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, जबकि फीमेल्स में होता है 4 से 5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब ये तो नॉर्मल काउंट है, अगर आपको RBC का काउंट कम मिले या ज़्यादा मिले तो ये दोनों ही कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन को इंडिकेट करती है। अगर RBC काउंट कम है तो इसका मतलब उस पर्सन को एनीमिया है, या हो सकता है प्रेगनेंसी है, भाई प्रेगनेंसी के केस में फीमेल्स में RBC काउंट कम हो जाता है, और भी कई कॉजेज होते हैं जिसमें RBC काउंट कम हो सकता है। बढ़ता किस किस केस में भाई, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया होता ही इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBC, उसी को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, या फिर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ किसी को हो जाए, या हीमोकंसंट्रेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है RBC काउंट बढ़ी हुई आपको मिले। ख़त्म हो गया ये RBC की काउंटिंग, दूसरी WBC की काउंटिंग कर लेते हैं भाई। इसी तरह से EDT या डबल ऑक्सलेट से आपने कैपिलरी सैंपल लिया, नॉबर चैम्बर लिया, WBC की पाइपेट ली और WBC का डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया। WBC की पाइपेट में वाइट ग्लास का बीड होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और मार्किंग 0.5, 1 और 11। RBC में थी 0.5, 1 और 101, और इसमें है 11। अब आगे मैं कुछ पढ़ाऊँ उससे पहले एक बात सुन लीजिए, वही बीड का फंक्शन तो यही है कि डाइल्यूशन फैक्टर और सैंपल को मिलाएगा। अब देखिए एक डाइल्यूशन फैक्टर वाला पॉइंट मैं आपको बता दूं, मैंने डाइल्यूशन फैक्टर आपको RBC में बताया था कि 1 in 200 है, और क्यों है, क्योंकि 0.5 और 101 उसमें मार्किंग थी, तो मैंने कहा 0.5 का डबल किया तो 1, तो 100 का डबल कहते 200 आएगा, तो यहाँ क्या होएगा भाई, 11 को अपन 10 मान सकते हैं, क्योंकि खाली एक 1 की क्या रोल है भाई 10 के आगे, तो 11 को 10 मान लिया तो 0.5 10 में है, तो 1 कितने में होगा 20 में, तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना आएगा इसमें 20। प्लेटलेट का भी अपन आगे इसी तरह से पढ़ेंगे, आप RBC WBC ध्यान से सुन लीजिए, प्लेटलेट अपने आप समझ में आ जाएगी। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना होगा WBC का 20, ये देखो लिखा हुआ है, आपने वही मेथड पूरा अपनाया, WBC के लिए वो पंक्चर किया आपने, फिर WBC डाइल्यूटिंग फ्लूड देख लीजिए भाई, टर्क्स फ्लूड होता है, अपने RBC के लिए तो पढ़ा था, RBC का तो मैंने आपको बता दिया था कि डाइल्यूटिंग फ्लूड हीम्स फ्लूड होता है जिसमें सोडियम साइट्रेट फॉर्मलिन मर्क्यूरी क्लोराइड डिस्टिल्ड वाटर होता है, जबकि WBC का टर्क्स फ्लूड होता है, इसमें जेंशन वॉयलेट और ग्लेशियल एस्ट्रिक एसिड मिला होता है। जेंशन वॉयलेट WBC के न्यूक्लियाई को स्टेन करने के लिए होता है, और ग्लेशियल एस्ट्रिक एसिड रेड सेल को लाइस करने के लिए होता है। प्रोसीजर में वही क्विक टैब लगा करके सैंपल लिया, फर्स्ट ड्रॉप को रिमूव कर दिया आपने, सैंपल 0.5 मार्क तक लेना है, फिर डाइल्यूशन फैक्टर 11 तक लेना है, जिससे कि डाइल्यूशन हो गया 1 in 20, अच्छी तरह से मिला लिया, फिर नॉबॉर चैम्बर पे डाला, 2-3 मिनट तक सेट होने दिया, और फिर आपको जो WBC काउंटिंग है वो किनारे के 4 स्क्वायर्स में ही करनी है सिर्फ। अब ध्यान से सुन लीजिए, एक पॉइंट बता दूं, देखो नॉबॉर चैम्बर में मैंने कहा आपके काउंटिंग के लिए 5 चैम्बर्स होते हैं, टोटल होते हैं 9 चैम्बर्स, काउंटिंग के लिए 5, कौन से 5, किनारे के 4 और सेंटर का 1, किनारे के 4 सेंटर का 1। RBC काउंटिंग इन 5 चैम्बर्स में की जाती है, किनारे के 4 और सेंटर के 1 में।
WBC काउंटिंग सिर्फ किनारे के चार स्क्वायर्स में लेते हैं, सेंटर का एक स्क्वायर काउंट नहीं करना है, मतलब वो 25 वाला चैम्बर अपन को काम में नहीं लेना। और प्लेटलेट की काउंटिंग केवल सेंटर वाले चैम्बर में करते हैं जिसमें 25 स्मॉल स्क्वायर्स है, इसमें अपन साइड के चार स्क्वायर्स काम में नहीं लेते, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा। अब वही नंबर ऑफ सेल काउंट n आएगा, डायल्यूशन फैक्टर 1 in 20 आएगा, एरिया हमें चार स्क्वायर्स का लेना है, एक स्क्वायर का एक स्क्वायर मिलीमीटर होगा तो चार का कितना हो जाएगा 4 square millimeter। इसमें हमें स्मॉल स्क्वायर नहीं देखना है, लार्ज स्क्वायर देखना है। RBC में हमने स्मॉल स्क्वायर देखा था इसलिए 1/400 लिया था, WBC और प्लेटलेट में हमारे को सिर्फ लार्ज स्क्वायर ही लेना है, स्मॉल स्क्वायर लेने ही नहीं है, इसलिए हमने सीधा लार्ज स्क्वायर का एरिया शुरुआत में मैंने बताया था 1 square millimeter एक स्क्वायर का साइज़ है, तो चार स्क्वायर लेने पर कितना हो गया 4 square millimeter। डेप्थ सेम चलेगी 1/10, वॉल्यूम आ गया 4 × 1/10 क्योंकि एरिया इंटू डेप्थ होता है, तो 4/10 क्यूबिक मिलीमीटर। टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ सेल काउंटेड अपॉन इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम, तो n × 20/0.4। आपका रिजल्ट 0.4 से 20 को काटेंगे तो 50 आंसर आएगा, 4×5 = 20 होता है ना, तो 50 आंसर आया, तो n × 50। ये फार्मूला है आपका WBC का। नॉर्मल वैल्यू होती है एडल्ट्स में 4000 से 11000 सेल्स और बच्चों में होती है 6000 से 18000, फीमेल मेल का कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता। अब अगर आपको WBC का नंबर चेंज मिल रहा है तो उसमें हो सकता है कम मिले, उस कंडीशन को अपन ल्यूकोपिनिया कहते हैं, और हो सकता है WBC काउंट बढ़ा हुआ मिले, उसको अपन ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोपिनिया एप्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है, किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है, टाइफाइड के इन्फेक्शन में और कुछ वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। अब WBC काउंट बढ़ता कब है भाई, यानी ल्यूकोसाइटोसिस, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो प्रेगनेंसी में या बच्चों में ये बढ़ा हुआ होता है, या एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान भी इसका नंबर बढ़ जाता है, तो WBC अगर बढ़ी हुई मिल रही है इसका मतलब उस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी बढ़ेगा, ल्यूकोमॉइड रिएक्शन किसी में हो जाए, ब्लड सेल का कैंसर यानी ल्यूकीमिया हो जाए, या दूसरे कॉजेज की वजह से भी ये बढ़ा हुआ दिख सकता है। खत्म, लास्ट टॉपिक प्लेटलेट काउंट, लास्ट तो नहीं है RBC काउंटिंग का लास्ट, ये जो काउंटिंग है उसका लास्ट है। सैंपल ले लिया EDTA के साथ में, कैपिलरी सैंपल, नौबॉर चैम्बर लिया, RBC की पाइपेट लेंगे और प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूड RBC वाले लेंगे अपन। प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूड के अंदर प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल्ड वाटर मिला हुआ होता है, ध्यान रखिएगा, और पाइपेट अपने को RBC वाले लेनी है। तो ब्लड सैंपल अपन है 0.5 तक और डाइल्यूटिंग फ्लूड 101, क्योंकि पाइपेटिंग में यही था ना, RBC पाइपेट में मार्किंग 101 तक थी। अब कितना डाइल्यूशन होगा इसकी वजह से 1 in 200। सैंपल अच्छे से मिक्स किया स्टैम में, चैम्बर को क्लीन करके उस पर डाल के कवर स्लिप रख करके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, और फिर अपन 25 जो सेंटर का स्क्वायर था उसमें 25 स्मॉल स्क्वायर थे उसमें प्लेटलेट की काउंटिंग करनी है। मैंने बताया था किनारे के स्क्वायर इसमें नहीं लेने अपन को। ये रहा फॉर्मूला n 1 in 200। अब क्योंकि सिर्फ सेंटर में ही किया है तो एरिया केवल 1 square है, डेप्थ 1/10, वॉल्यूम 1 × 1/10, तो 1/10 क्यूबिक मिलीमीटर। फॉर्मूला सेम है, नीचे वैल्यू पुट करिए, n × 200/0.1 रिजल्ट आ गया n × 2000 ब्लड सेल्स आती है प्लेटलेट की पर क्यूबिक मिलीमीटर। नॉर्मल वैल्यू 200,000 से 400,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। प्लेटलेट अगर आपको कम दिख रही है काउंटिंग में, कंडीशन कहलाती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और बड़ी हुई दिख रही है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। कम कब दिखती है भाई, इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन से कम दिख सकती है, एप्लास्टिक एनीमिया में कम दिख सकती है, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया, या हाइपर स्प्लीनिज्म, स्प्लीन हाइपरली एक्टिव हो जाए, तो 1/3 तो स्प्लीन में रह रही थी प्लेटलेट, तो उससे ब्लड में भी बढ़ जाएगी स्प्लीन में से निकल करके। या थ्रोम्बोसाइटोसिस अब कब हो सकता है, किसी को एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया हो जाए, यानी थ्रोम्बोसाइट का नंबर बढ़ जाए, मस्कुलर एक्सरसाइज में बढ़ जाता है, स्प्लेनेक्टॉमी के बाद भी ऐसा होता है, स्प्लीन अगर आपने किसी की काट करके निकाल दी तो उसमें भी प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि स्प्लीन में जो डिपॉजिट होनी थी वो हो नहीं पाएगी तो ब्लड में रहेगी। और लास्ट क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया किसी को हो जाए तब भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। बस इसके साथ आपका ब्लड सेल काउंट का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें अपन ने RBC WBC और प्लेटलेट काउंटिंग करी।
अब क्योंकि हमने जो WBC की काउंटिंग करी है उसमें सभी WBC को एक साथ अपन ने काउंट किया था हम, और एक साथ काम काउंट किया एक साथ कैसे भाई, मैंने आपको बताया WBC कई तरह की है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, पांच तरह की WBC अपन ने पढ़ी, इनको एक साथ काउंट किया तो इसको अपन कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC। इसके अलावा अपन WBC की ये जो सेल्स हमने पढ़ी उनको अलग अलग भी काउंट कर सकते हैं, अलग अलग काउंट करते हैं उसको अपन कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी DLC। तो काउंटिंग में ही अपन ये भी पढ़ लें। अब इसके बारे में आप पढ़ते तो खुद से रहिएगा, मैं आपको सीधा प्रोसीजर समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, दो प्लेन स्लाइड्स लेनी है, सिंपल स्लाइड जो आपने लैब में देखी हुई हैं वो दो प्लेन स्लाइड्स आप लेंगे। उसमें से एक स्लाइड पर आपको सैंपल लेना है, कहाँ पे लेना है, किनारे से थोड़ा सा दूर लेना है, सेंटर में नहीं लेना, सेंटर और किनारे के बीच में आप ले सकते हैं। आपने पहले वही अल्कोहल से आपने कैपिलरी साइट, स्किन साइट को साफ किया, फिंगर टिप को क्विक टैब लगाया, फर्स्ट ड्रॉप वाइप ऑफ कर ली, पोंछ दी, आपको नहीं लेनी फर्स्ट ड्रॉप। सेकंड ड्रॉप आप लेंगे, एक पॉइंट पर आप ड्रॉप डालिए, उस पॉइंट पर आप अपनी दूसरी स्लाइड 45 डिग्री के एंगल पर रख कर के एकदम से खींचिए तो आपको वहाँ पर एक थिन थिक स्मीयर जैसी इमेज वहाँ पर बन जाएगी, स्मीयर बन जाएगा। उसके ऊपर अब आप अपना स्टेन जो है, रोमनोवस्की स्टेन वगैरह, लिशमान स्टेन, जिम्सा स्टेन, राइट्स जनरल स्टेन नाम इस पर लिखे हुए हैं, वो स्टेन डाल करके आप स्टेनिंग करिए। जनरली अपन रोमनोवस्की स्टेन वगैरह काम में लेते हैं। तो स्मीयर, फिर आप जब स्मीयर डाल दिया तो ऊपर कवर स्लिप रखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए और फिर फाइनली क्या करिए, काउंटिंग कर लीजिए। तो आप देखिए न्यूट्रोफिल कितनी दिखी, ईओसिनोफिल कितनी दिखी, तो उसके नंबर को लिख लीजिए। पहचानेंगे कैसे, अपन ने स्टार्टिंग मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी कि भाई मल्टी न्यूक्लेटेड न्यूट्रोफिल होती है, बाइलॉब्ड की सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स आपने देखी थी, कैसा कैसा कलर उनका दिखाई देगा, उसके बेसिस पर आप पहचान लोगे, काउंटिंग कर लोगे, ये DLC कहलाती है। तो WBC में दो तरह की काउंटिंग होती है, TLC और DLC। TLC अपन नोबॉर्स चैम्बर की स्लाइड में करते हैं, DLC अपन सिंपल स्लाइड के ऊपर करते हैं। इसके साथ आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे ब्लड का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग जो टॉपिक है, जैसे RBC की मॉर्फोलॉजी, नंबर, शेप, साइज देखना करना वगैरह, BT, CT, ये सब भी अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।